नमस्कार, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने 2016 के नोटबंदी के बाद जारी 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि बाजार में मौजूद 2000 नोट फिलहाल चलन में रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दें। आरबीआई ने कहा कि 30 सितंबर तक ये नोट सर्कुलेशन बने रहेंगे, यानी जिनके पास इस समय 2000 रुपए के नोट हैं, उन्हें बैंक से एक्सचेंज करना होगा। आरबीआई ने प्रेस रिलीज में बताया कि 2018-19 में ही 2000 रुपए का नोट को छापना बंद कर दिया था। साल 2016 नवंबर में नोटबंदी के बाद 2000 रुपए का नोट लाया गया था। नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिया गया था। ये है 2000 के नोट को लेकर अपडेट। एक बार में 20000 रुपए तक के नोट बदले जाएंगे। अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो 30 सितंबर की तारीख याद कर लें। इससे पहले आप बैंक में जाकर इसे बदल सकते हैं, यानी 30 सितंबर तक आप अपने नजदीकी बैंकों में जाकर 2000 के नोट बदल पाएंगे। इसके बदले आपको दूसरी वैलिड करेंसी मिल जाएंगी।